उमर डैड बैठो बैठो आप कब आए? बस ऐसे ही थोड़ा दिल घबरा रहा था, सोचा थोड़ा टहल लो। तो बताओ सब ठीक? सब ठीक है डैड। नहीं, अगर सब ठीक होता तो तुम यहां ना होते, अपने कमरे में होते। पता नहीं डैड, मुझे ऐसा लगता है ये औरतों की ना सिर्फ खाली फर्क होती है, अंदर से सब एक जैसी होती है। स्टबर्न, सेल्फिश, बदतमीज। इसीलिए मैंने तुम्हें समझाया था पहले भी और अब भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। सॉरी डैड, मैं जब भी आपकी बात नहीं सुनता हमेशा पछताता हूं, पर अब तो ये जोया मेरे खिलाफ बातें करती है, मुझ पे इल्जाम लगाती है, तुम्हें मेरे खिलाफ उकसाती है। यही ना बहुत तेज लड़की है। ये सर क्यों कर रही है? सारी जिंदगी आपने पाला इसे, इनके खर्चे हमेशा आप ही ने उठाए हैं। शादी से पहले जो भी इनके पास था वो सब आप ही का दिया हुआ, फिर भी ये क्यों आपके खिलाफ बातें करती है? मेरी समझ से बाहर है डैड। बेटा नमक जो है वो हर किसी को हजम नहीं होता, और जिनको जरूरत से ज्यादा मिल जाए ना उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। बस यही गलती मुझसे हुई है, जरूरत से ज्यादा नमक दे दिया। तभी देखो मेरे हाथों की बली बच्ची मेरे ही खिलाफ बातें करती है। लेकिन उमर आप जरा एहतियात से, तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। बेटा जब पर निकल आए ना तो घोंसले से ज्यादा आसमान प्यारा हो जाता है। तभी जंगली कबूतरों के पर काट के इन्हें पालना पड़ता है। क्योंकि बिना पर काटे ये कम वक्त पकते नहीं है। एक बेटे के साथ साथ एक शौहर भी हूं, बस यही कोशिश करता है तो किसी तरह ये दोनों रिश्तों को बराबर लेके चलो। आज तो ठीक है, लेकिन उमर अगर बीवी को बाप के बराबर करोगे तो वो खुद को तुम्हारी मां समझना शुरू कर देगी। ये मेरी नसीहत है उमर। याद रखना इसे, उसे उसकी लिमिट्स पर रखो।
मर गई है तेरी बेपरवाही, हो गया माही क्यों हर जाए, तुम जो बदले वक्त भी बदला, बढ़ने लगी खबर प्यार करना नहीं, खाली तस्वीर में रंग भरना नहीं, इश्क में सताए हुए जख्म दिल पे खाए हुए, दर्द किसी किस्म की जरूरत है मुझे जस्ट कॉल मी अप ओके थैंक यू सुनो तुमसे ना कम मांगू मैं ना तुमसे ज्यादा।